पर दुनिया भर की महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। आज देख लीजिए पेट्रोल कहां से पहुंच गया है, तो कहां से निकलेगा। हमारे बच्चे बेरान हो रहे हैं, रोजगार कुछ है नहीं, रोजगार कुछ देने के काबिल नहीं है आप लोग। और आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं। अरे मोदी जी तो बहुत महंगाई बढ़ा रहे हैं, GST भी लगवा दिए हैं और सब्जी बाजार हम लोग का काम धंधा चौपट हो गया है। तो जो जितने नेता हैं, ये सब खाऊ नेता हैं और जवड़ाऊ नेता हैं, इनको पता ही नहीं है एक जगह जाने में इनके करोड़ों रुपया नुकसान होता है। नमस्कार, मैं हर सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल DS4 न्यूज में। तो आज हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा जुड़ा है इस सरकार के कार्यकाल के दौरान लाई गई नीतियों का, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो या ट्रैफिक नियम में लाए गए बड़े बड़े बदलाव हो। तो जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी देखने को मिली और ट्रैफिक नियम भी इतने सख्त किए गए कि वहां पर जितने की स्कूटी नहीं थी, जितने की बाइक नहीं थी, उतनों का चलान काटा गया। तो आखिर इससे लोगों में कितना गुस्सा फैला है, लोग इससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, सरकार की नीतियों की अवहेलना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम इस न्यूज़ में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या राय है लोगों की इस नीतियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 110 में, और जहां हम इस वक्त मौजूद हैं वो एक जनता मार्केट है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये मार्केट लगभग जब ओपन हुई थी, जब खुल गई थी, ये 17-18 साल इस मार्केट को हो गए हैं। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूँगा कि इस मार्केट की जो हालत है एक बार दिखाएँ हमारी जनता को, क्योंकि हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि इस मोदी सरकार में कहीं ना कहीं इतनी आर्थिक मंदी आती रही है जिसकी वजह से लोग इतना परेशान हो गए हैं कि हम आपको शायद बता सकें और दिखा सकें। तो बताने का काम तो हमने इतना ज़्यादा कर दिया है कि शायद आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि हम कितना बता जाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि चलो आज दिखा दिया जाए। तो इसीलिए हम जब जांच पड़ताल करके जब हम इस लोकेशन पर पहुंचे सेक्टर 110 के इस जनता मार्केट में, तो हमें देखने को ऐसा मिला कि मार्केट तो इतनी आलीशान है लेकिन यहाँ पर दुकानदार नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं है दुकानदार, जब इस चीज़ को जब हमने जानने की कोशिश करी तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन सीन ये है कि फिर से मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि जो ये मार्केट की जो हालत है, इस मार्केट में लगभग 1000 से ज़्यादा दुकानदार मतलब दुकान बनाए गए होंगे, लेकिन इस समय मौजूद में मुश्किल 15 दुकानदार होंगे जो इस दुकान को चला रहे होंगे, और इसके पीछे जो कारण होगा ये हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, आप हमें फॉलो करिए और देखिए हम ले चलते हैं एक दुकानदार के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता रहा है। नमस्कार। नमस्कार सर, नाम क्या है अंकल आपका? देवी सिंह। देवी सिंह जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जैसे कि पिछले पाँच सालों में मोदी की सरकार रही और उसके बाद भी जो ये दोबारा चुना हुआ सन 2019 का, उसके बाद भी मोदी सरकार आई और उसके भी कम से कम 100 से ज़्यादा दिन पार हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आर्थिक मंदी को लेकर के आपको क्या कहना है? सर, दुनिया की भर की महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन प्याज देखो 80 रुपये किलो बिक रहा है। हम किसी कस्टमर को बताते हैं 80 रुपये किलो तो छोड़ कर भग जाता है। हमारी सारी सब्जियाँ सड़ रही हैं, आप इधर नज़ारा देख लीजिए कैमरा में, तो हम क्या करें, इस महंगाई के कारण हम परेशान हैं। देवी जी मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि आप हमारे जनता को बताइए कि जैसे कि मोदी ने जो डिमोनेटाइजेशन किया था, यानी कि जो नोटबंदी कर दी थी और उसके बाद भी उन्होंने GST लागू कर दिया था, तो आपको क्या लगता है उससे कुछ प्रभाव पड़ा होगा? नहीं सर, उससे कोई प्रभाव, महंगाई दुनिया भर की महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। आज देख लीजिए पेट्रोल कहाँ से पहुँच गया है, तो कहाँ से निकलेगा। हमारे बच्चे बेरान हो रहे हैं, रोजगार कुछ है नहीं, रोजगार कुछ देने के काबिल नहीं है आप लोग। और आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं। अच्छा देवी सिंह जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप हमारे जरा दर्शकों को बताइए कि अभी पॉलीथीन को लेकर के भारत सरकार का एक बयान आया था कि पॉलीथीन भी बंद कर देंगे, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ आपको फ़ायदा नफ़ा कुछ दिख रहा है? जी सर, पॉलीथीन तो बंद कर दी जाएंगी लेकिन महंगाई तो ज़्यादा होती जा रही है। अब 2 रुपये का थैला किसी दुकानदार ग्राहक से मांगते हैं, 2 रुपये दे दो भैया, तो 2 रुपये देने के लिए वो तैयार ना है, तो इसलिए सब्जी भरी भराई छोड़ कर चले जाते हैं, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मोदी सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि जो हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। अच्छा मैं देवी जी ये जानने की कोशिश करूँगा, 2 मिनट का समय चाहिए आपसे, कि मैं ये जो मार्केट की जो मैं आज हालत देख रहा हूँ। नहीं सर, 12 साल ही हुई है मार्केट को तो। 12 साल हुए हैं, तो 12 साल में क्या इस मार्केट की हालत ऐसी है जब से? नहीं जी, उस टाइम पर शुरुआत में तो सारे दुकानदार लगे थे, लेकिन धीरे धीरे करके सब चले गए। हम सिर्फ 3 दुकानदार बैठे हैं यहाँ पे, बाकी और सारे मिला के 10-15 दुकानदार हैं। हम परेशान हैं यहाँ पे।
मैं दीपी जी आपसे ये पूछने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि आपका काम धाम कैसा चल रहा है इस टाइम। काम तो सर भेज रुपये मान लो 3,000 की सब्जी लाते हैं तो 2,000 की बिकती है, 1,000 की फेंक दी जाती है, बेरोजगार है इस टाइम। अगले बार में किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? आगे तो आने वाला समय ही बताएगा सर किसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी के कार्यकाल से आपको क्या लगता है? ये तो सरकार बेकार है, हमारे लिए तो फायदा है ही नहीं, गरीब आदमी के लिए तो सही है ही नहीं सरकार। ये जैसे कि आपने देखा ये देवीलाल सिंह है और ये लगभग हम आपको बता दें कि करीब 7-8 साल से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं और जो दुकानदार हैं और ये जो मंडी है लगभग 12-13 साल से खुली हुई है। लेकिन स्टार्टिंग में इनका कहना ये था कि जो दुकानदार थे वो करीब 5-6 साल तक तो लगाए ही दुकान को, लेकिन जब से ये मोदी की सरकार आई और जो ये आर्थिक मंदी बढ़ती चली गई उसको लेकर के लोग परेशान होते चले गए और अपने इस दुकान को खाली करते दिन प्रतिदिन चले गए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे लोगों से, जाने की कोशिश करते हैं। वहीं हमारे साथ में देवी सिंह के जस्ट मौजूद हैं, साइड में मौजूद है जो दूसरे दुकान चलाते हैं, इनकी दुकान है कपड़े की, मैं दिखाना चाहता हूँ जो गारमेंट्स की दुकान है इनकी, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक मंदी को लेकर के इनका क्या कहना है। हाँ जी, आपका नाम? बलराम सिंह। अब बलराम सिंह जी, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि जो ये आपका जो काम है वो कैसा चल रहा है इस टाइम पे? शून्य है बिल्कुल, कोई काम नहीं है। शून्य मतलब क्या? मतलब मंदी बिल्कुल काम चल ही नहीं रहा है? कोई काम नहीं चल रहा है, यहाँ कोई रख रखाव नहीं है, मंडी में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, बाउंड्री है नहीं है, गेट है नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, इनका कहना ये है कि ये जो मंडी है इसमें समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मंडी है, मंडी तो बना दी गई है लेकिन उसमें जो सुविधाएं होती हैं जैसे पानी की सुविधाएं, टॉयलेट की सुविधाएं, लाइट की सुविधाएं, वो इनका कहना है कि यहाँ पे है नहीं, शायद इस वजह से भी काफ़ी परेशान है और इनको सामना काफ़ी करना पड़ रहा है। और इनसे क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, आपका काम धाम का लेकर के और जो ये सरकार आई है मंदी को लेकर के इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, जब से नोट बदली हुआ तब से तो और बर्बादी हो गई। अच्छा, GST को लेकर के कुछ? हाँ, बर्बादी है, इसके अलावा कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये जो अभी तेल वेल के जो रेट बढ़ रहे हैं, प्याज के रेट बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें तो यही है कि आदमी परेशान है, हर जनता परेशान है। अच्छा, आप किसको समर्थन करना चाहते हैं? समर्थन तो आने वाली सरकार ही बताएगी। आने वाला सरकार तो बताएगी, लेकिन ये जो आर्थिक मंदी से जो ये दौर गुजर रहा है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे क्या वैसे इससे तो यही चल रहा है कि तो जो जितने नेता हैं ये सब खाऊ नेता हैं और जो उड़ाऊ नेता हैं, इनको तो पता ही नहीं है, एक एक जगह जाने में इनके करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, कई करोड़ों का नुकसान होता है, जहाज के सफर में कितना नुकसान होता है, ये जनता हिसाब उगाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है। तो जैसे कि आपने सुना ये बलराम जी हैं और आगे भी और लोगों से जाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे और भी दुकानदार हैं। क्या है ऐसा माहौल क्या गुजर रहा है जिससे आर्थिक मंदी इतनी दिन पे दिन गुजरती चली जा रही है यहाँ पे? चलिए मैं कैमरे में से गुजारिश करूँगा, यहाँ पे एक आंटी जी हैं और दुकान लगा पड़ी हैं यहाँ पे फल फ्रूट्स की, इनसे जाने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है इनको, कैसा काम चल रहा है? आप हमारा काम नहीं चल रहा है भाई। अच्छा, पहले कैसा चलता था? पहले तो ही संजरदाब नहीं चल रहा है। कब से दुकान लगा रही हैं आप मंडी में? 2 महीना, 2 वर्ष भाई, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको यहाँ पे लगाते हुए? 2 साल हो गए। आज से पहले कभी ऐसी मंदी नहीं देखी आपने? हमने नहीं देखी, अब तो बहुत हाल खराब है। भारत सरकार ने अभी जो कह दिया था कि पॉलीथीन बंद कर देंगे, तो पॉलीथीन बंद करके लेकर के आप क्या कहना चाहते? बहुत माला खराब है, जीवन खराब है बोधे आदमी का, कैसे बच्चा पलेंगे जी। अच्छा, आपके कितने बच्चे होंगे? 3 बच्चे हैं, 1 लाली की शादी कर दी। पढ़ते भी हैं? हाँ, स्कूल जा रहे हैं, घर पे हैं। जीवन यापन क्या इसी से चलता है? ऐसा ही चल रहा है, बच्चों का खर्चा भी नहीं पूरा है रहा है। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा आपसे, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जैसे मोदी की जो 5 साल की जो कार्यकाल रही वो निकल चुकी है और जो नया दौर निकला है सन 2019 का, उसमें भी मोदी सरकार के 100 दिन से ज़्यादा पार हो चुके हैं, लेकिन इतनी मंदी आती चली जा रही है दिन पे दिन की, लोग बात समझ नहीं पा रहे कि उनको करना क्या है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती कि आप मोदी के जो कार्यकाल है वो कैसा लग रहा है? आप हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है, जब हम नहीं अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप किसको समर्थन करना चाहते हैं? आप ये तो मैं जान नहीं सकती हूँ, आपको पहचान होगी। नहीं, हमें तो पहचान है, आप किसका समर्थन करना चाहते हैं? आप समझते हो तो इसको बता दे, आप मैं तो किसी नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये बताना नहीं चाहती हैं, खैर इनका निजी मामला है, अगर ये नहीं बताना चाहती हैं तो हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। वहीं हमारे दूसरी साइड देखने की कोशिश करेंगे, ये जो टेलर मास्टर जी हैं कहीं आओ, ये टेलर मास्टर है यहाँ पर। जब मैं आया था, जब यहाँ पूछताछ में करके गया था, तो इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी और इन्होंने बताया था कि मार्केट दिन से ओपन हुआ पड़ा है। हाँ, अब ये इनसे पूछ लेते हैं कि आपका नाम? रामगोपाल। रामगोपाल जी, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि जब ये मंडी खुली थी तब यहाँ पे कैसा माहौल था और आपका कैसा माहौल? अच्छा था, अब बहुत खराब है। अच्छा,
यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो मतलब नजर नहीं आ रहे हैं, मुश्किल से 5-6 दुकानदार हैं जो चला रहे हैं, क्या मतलब क्या सा क्या हो गया? जब काम ही नहीं है और इसकी कोई व्यवस्था नहीं है मंडी की। अच्छा, ना लेटरिन है, ना बाथरूम है, ना कोई पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छा, आपका काम कैसा चल रहा है? काम है ही नहीं, काम चल ही नहीं रहा है, काम चल ही नहीं रहा। तो ये थे हमारे ट्रेलर मास्टर जी, जिसको हमने दिखाने की कोशिश करी थी। और मैं एक बार और कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार जो ये रोड है वो पूरा दिखाने की कोशिश करें, और एक बार दिखाने की कोशिश करें कि कैसा माहौल है इस रोड का और ये जो मार्केट है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो दुकान लगती नज़र आ नहीं रही है, लेकिन जो यहाँ के दुकानदार है, जो 3-4 दुकानदार छूट गए हैं, वो रोड पर लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अरे मोदी जी तो बहुत महंगाई बढ़ा रहे हैं, GST भी लगवा दिए हैं, और सब्जी बाजार हम लोग का काम धंधा चौपट हो गया है। हम लोग के साला के दुकानदारी में सुबह से लेके 15-16 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ, फिर भी हम लोग को ना साला पेट नहीं भर रहा है हम लोग का। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, आप कब से ये दुकान चला रहे हैं आप? ये जो हो गया कम से कम 16-17 साल हो गया। अच्छा, 16-17 सालों में कभी ऐसा हुआ है जो इस तरीके की तरह, मतलब जो अभी चल रहा है आपका ये जो मंदी चल रही है अभी, कभी ऐसा हुआ हो? ये तो 5-6 साल से चल रहा है ऐसा, जब से मोदी सरकार बनी है जब से ऐसा चल रहा है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी एज देखो तो लग गया होगा शादी हो ही गया होगा, बच्चे भी होंगे, तो पढ़ाई वढ़ाई के लिए कुछ? अरे पढ़ाई वढ़ाई के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है मुझे भैया। साला एक तो किराया दे रहा हूँ, साला 3,000-3,500 रुपया किराया लगते हैं, बच्चे में साला कम से कम 6-7 हज़ार रुपया महीना में लगते हैं, ट्यूशन है, स्कूल है, उसके बाद खाने पीने हर चीज़ का साला की सुविधा खोजना पड़ता है, बाकी मिल नहीं रहा है मुझे। अच्छा, ये जो मोदी की 5 साल की जो कार्यकाल निकली है, उसके बाद भी जो दोबारा से जो मोदी जी कार्यकाल में आए हैं, और उसके बाद भी एक 1.5 महीना पार कर गया, मतलब 100 से भी ज़्यादा दिन पार कर गया है, तो उसके दौरान लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा चल रहा है माहौल अभी? अरे माहौल तो अच्छा चल ही नहीं रहा है, मोदी जी तो कुछ करते, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को तो मेहनत का पैसा चाहिए, कमाई चाहिए, काम होता तो अभी तो हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं ना, बाकी फिर भी जो है मोदी जी हम लोग पर, गरीब आदमी पर, किसी भी धर्म का हो उस पर ध्यान दें। तो जैसा कि हमने देखा इस वीडियो में और जाना कि जो भी भारत सरकार द्वारा लाई गई इस समय नीतियां हैं वो हाई स्टैंडर्ड लोगों के लिए हैं, गरीब लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा यह हमने देखा। हमने देखा कि मार्केट में कैसे प्याज के दाम अचानक इतनी तेजी पकड़ लेते हैं और दिन प्रतिदिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आखिर इसका एक गरीब व्यक्ति के जेब खर्च पर कितना फर्क पड़ता है, यह हमने लोगों से जाना, यह हमने लोगों को देखा। तो इस सरकार को समझना चाहिए कि अगर आप पे जनता ने भरोसा देके आपको एक दूसरा मौका दिया है, आपने दूसरी बार सरकार लाई है, तो गरीबों की मदद करें। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पूरे भारत राष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है दूसरे देशों के मुकाबले, तो यहाँ पर कुछ ऐसी नीतियों की ज़रूरत है जिससे गरीब तबके को फ़ायदा हो और वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। तो इसी प्रकार की अन्य बड़ी खबरों को जानने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल DS4 News के साथ।